हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमोबाइल में यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। टोटल इस वीडियो में आपको 15 अलग अलग टाइप्स के ब्रेक्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर में जो पहला कैटेगरी, उसमें हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स। जिसके अंदर में पहला ब्रेक है वो है मैकेनिकल ब्रेक्स। तो वो ये इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम होता है जिसमें जब ड्राइवर ब्रेक पैडल के ऊपर में ब्रेक फोर्स लगाता है तो ये फोर्स बहुत सारे मैकेनिकल लिंकेजेस जैसे कि सिलिंड्रिकल रॉड्स, फुलक्रम्स, स्प्रिंग्स से होते हुए फाइनल ब्रेक ड्रम और डिस्क रोलर तक ट्रांसफर होता है और इस तरह से व्हीकल हमारा स्टॉप या फिर डी एक्सलरेट हो जाता है। मैकेनिकल ब्रेक्स को पहले बहुत सारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल इनका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये लेस इफेक्टिव होते हैं बाकी ब्रेक्स के मुकाबले में। फ्रेंड्स, ब्रेक फोर्स किस तरह मास्टर सिलेंडर तक पहुंचते हैं, उसके बाद सिलिंड्रिकल रॉड, फल्क्रम, स्प्रिंग्स क्या क्या ऑपरेशन करते हैं और किस तरह से हमारा जो ब्रेक ड्रम है और डिस्क रोटर है वो रोटेटिंग व्हील्स के अगेंस्ट पुश होता है और ब्रेक लगता है, ये सब मैं आगे आपको इसी वीडियो में जब डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के फंक्शन, उसके कंपोनेंट, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी इस कैटेगरी के बाकी ब्रेक्स के बारे में जानते हैं। इस कैटेगरी में जो अगला ब्रेक है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम होता है जिसमें जब ड्राइवर ब्रेक पैडल के ऊपर में ब्रेक फोर्स लगाता है तो मास्टर सिलेंडर इस ब्रेक फोर्स को पहले हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो मास्टर सिलेंडर से निकल के ब्रेक लाइन से होते हुए ब्रेक ड्रम और डिस्क रोटर तक पहुंचता है और इस तरह से हमारा व्हीकल रुक जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में मैकेनिकल लिंकेजेस का यूज नहीं किया जाता है, मतलब कि सिलिंड्रिकल रॉड, फल्क्रम, स्प्रिंग्स वगैरह का इसमें यूज नहीं किया जाता है, जबकि ब्रेक फ्लूड का यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ब्रेक पैडल फोर्स इन ऑर्डर टू स्टॉप और डी एक्सेलरेट द व्हीकल। अब आज के टाइम पे लगभग सारे बाइक्स और कार्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज किया जाता है क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा होता है और इनका हाई ब्रेक फोर्स जनरेटर कैपेबिलिटी होता है। नेक्स्ट ब्रेक है एयर और न्यूमेटिक ब्रेक्स। तो इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम में एटमोस्फेरिक एयर का यूज किया जाता है। कंप्रेसर और वॉल्व, जब ड्राइवर ब्रेक पैडल के ऊपर फोर्स लगाता है तो एयर को इस टाइम पे कंप्रेस्ड करता है और फिर ये कंप्रेस्ड एयर फाइनल ड्रम और डिस्क रोटर तक पहुंचता है और इस तरह से हमारा व्हीकल रुक जाता है। अब एयर ब्रेक्स को ज्यादातर हेवी व्हीकल्स जैसे बसेस और ट्रक वगैरह में यूज किया जाता है क्योंकि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो ग्रेटर डिस्टेंस पे जो ब्रेक को पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जहां पे दो व्हील्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स को यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पे हम लोग न्यूमेटिक ब्रेक्स का यूज करते हैं। अब न्यूमेटिक ब्रेक्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स के मुकाबले हायर ब्रेक फोर्स जनरेट करते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें हेवी व्हीकल्स में यूज करते हैं। अब न्यूमेटिक ब्रेक्स के केस में जो ब्रेक फेलियर का चांसेस बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पे एक रिजर्वायर एयर टैंक होता है जो कि एयर को रिजर्व करता है। अब जब ब्रेक लाइंस वगैरह में लीकेज होता है, ब्रेक का फेलियर होता है, उस टाइम पे ये जो रिजर्वायर टैंक है वो कंप्रेसर में एयर को ट्रांसफर करता है, फिर वो कंप्रेसर एयर को कंप्रेस्ड करता है ब्रेक को दबाने के टाइम पे और इस तरह से फिर हमारा व्हीकल रुक जाता है। यहाँ पे रिजर्वायर एयर टैंक को आप देख रहे हो, ब्लू कलर से दिखा रखा गया है। एयर और न्यूमेटिक ब्रेक्स को हाई एंड कार्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा होते हैं और इनके फेल होने का चांसेस भी कम होता है। इस कैटेगरी के अंदर में जो अगला ब्रेक है वो है वैक्यूम ब्रेक्स। तो ये कन्वेंशनल टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ब्रेक पैड्स को मूव करने के लिए ब्रेक लाइंस के अंदर के वैक्यूम का यूज़ किया जाता है और इस वैक्यूम के हेल्प से जो ब्रेक पैड है वो मूव होते हैं और फाइनली हमारा जो व्हीकल है वो स्टॉप और डी एक्सेलरेट हो जाता है। एग्जॉस्टर, मेन सिलेंडर, ब्रेक लाइंस, वाल्व अलोंग विथ डिस्क रोटर और ड्रम, ये जो हमारे वैक्यूम ब्रेक के मेन कॉम्पोनेंट्स है और ये आपस में मिल के एक साथ वैक्यूम ब्रेक को ऑपरेट करते हैं।
अब वैक्यूम ब्रेक्स का यूज़ बहुत पहले कन्वेंशनल ट्रेन्स वगैरह में किया जाता था, लेकिन चूंकि ये लेस इफेक्टिव होते हैं और इनका ब्रेकिंग जो कैपेबिलिटी वो भी स्लो होता है, इस वजह से आजकल जो ट्रेन्स वगैरह में एयर ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ब्रेक है हमारे पास, वो है मैग्नेटिक ब्रेक्स। इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम में परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। अब ये मैग्नेट्स ब्रेक लगाते वक्त मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हमारा जो ब्रेक ड्रम और रोटर है वो मूव होता है और इस तरह से व्हीकल में ब्रेक लग जाता है। ये फ्रिक्शन लेस ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इस वजह से इसमें वियर और टेयर भी कम होता है। मैग्नेटिक ब्रेक्स एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रेशर का जरूरत नहीं होता है ब्रेक लगाने के लिए। सिर्फ जो मैग्नेट्स का यूज करते हैं उसमें जो मैग्नेटिक पोल वगैरह जनरेट होता है उसके वजह से ही ब्रेक लग जाता है। अगर हम लोग मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को बाकी सारे ब्रेकिंग सिस्टम से कंपेयर करें तो ये बाकी ब्रेक्स के मुकाबले, ब्रेकिंग सिस्टम के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और इसमें जो ब्रेकिंग की कैपेबिलिटी है वो बाकी ब्रेकिंग सिस्टम के मुकाबले बहुत ही अच्छी है। इस कैटेगरी के अंदर में जो आखिरी ब्रेक है वो है इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स। इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल मोटर्स का यूज़ किया जाता है जो कि मेन पावर सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, यानी इलेक्ट्रिकल मोटर्स के वजह से ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल को मूव करने के लिए पावर मिलता है। अब जब ब्रेक जो ड्राइवर है वो ब्रेक पेडल के ऊपर फोर्स लगाता है उस टाइम पे ब्रेक कंट्रोल के ऊपर में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, ठीक है, कि हमें व्हीकल को स्टॉप करना, इस तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेक कंट्रोल से इलेक्ट्रिकल ब्रेक तक जाता है जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिकल मोटर है जिससे पावर मिल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को मूव करने के लिए वो बंद हो जाता है और इस तरह से हमारा व्हीकल रुक जाता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है वो होता है प्लगिंग ब्रेक्स। तो वैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिनमें प्लगिंग ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है उसमें जब ड्राइवर ब्रेक पेडल के ऊपर फोर्स लगाता है उस टाइम में जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी पोलैरिटी चेंज होती है और वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगता है जिसकी वजह से ब्रेक लग जाता है। देन जो सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स होता है वो होता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। अब वैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिनमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर यूज किया जा रहा है जो कि पावर सोर्स है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए वो जनरेटर की तरह काम करने लगता है। अब उससे ये होता है कि जब ड्राइवर ब्रेक पेडल के ऊपर ब्रेक अप्लाई करता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें तो पावर सोर्स पावर का सप्लाई वो बंद हो जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब क्या होता है कि जो व्हील्स का मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो व्हील्स का रोटेशन हो रहा है उससे जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है वो ट्रांसफर होता है हमारे मोटर के ऊपर में, यानी कि मोटर का रोटेशन होने लगता है। अब मोटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसे बैटरी में स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। देन जो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स का आखिरी कैटेगरी है वो है हमारे पास डायनामिक और रियोस्टैट ब्रेकिंग। अब इस तरह के इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम में रियोस्टैट का यूज किया जाता है। अब रियोस्टैट क्या करता है कि इलेक्ट्रिक मोटर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसके रोटेशन को रोकता है जब ब्रेक को अप्लाई किया जाता है और इस तरह से हमारा जो इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसका स्टॉपेज हो जाता है। टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम का जो अगला कैटेगरी है उसमें हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट, और इसके अंडर में जो पहला ब्रेक आता है वो होता है ड्रम ब्रेक्स। आइए अब डिटेल्स में जानते हैं ड्रम ब्रेक्स के कंपोनेंट्स और वर्किंग के बारे में। ड्रम ब्रेक्स को ऑटोमोबाइल्स में रियर ब्रेक्स के तौर पे यूज किया जाता है। ये है ब्रेक ड्रम और ये व्हील के साइड पे ब्रेकिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है। ये है व्हील हब। ब्रेक ड्रम और व्हील व्हील हब से अटैच्ड होता है। अब व्हील हब के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये है बैक प्लेट, ये ड्रम ब्रेक के सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। ये है ब्रेक शूज, ये ब्रेक ड्रम के इनर सरफेस के अगेंस्ट पुश्ड होता है। ब्रेक ड्रम और ब्रेक लाइनिंग के बीच फ्रिक्शन के वजह से व्हील्स स्लो होता है। होल्ड ऑन स्प्रिंग, ये बैक प्लेट के साइड पे ब्रेक शूज को होल्ड करता है। उसके बाद अगला कंपोनेंट है वो है रिटेनिंग स्प्रिंग्स, ये ब्रेक शूज को रेस्टिंग पोजिशन पे रिटर्न करता है। देन जो अगला कंपोनेंट है वो हमारे पास व्हील सिलेंडर, ये हाइड्रोलिक पार्ट होता है जो कि ब्रेक शूज को आगे की तरफ पुश करता है। मॉडर्न ड्रम ब्रेक सिस्टम सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रेक लाइनिंग वेयर आउट हो जाता है तो सिस्टम ब्रेक शूज को ब्रेक ड्रम के टूवर्ड्स एडजस्ट कर लेता है और ये काम करने के लिए सिस्टम ब्रेक एडजस्टर, एडजस्टर लीवर, एडजस्टर स्प्रिंग का यूज करता है।
जब ब्रेक पैडल को दबाया जाता है तो व्हील सिलेंडर फोर्स रिसीव करता है। व्हील सिलेंडर के बैक साइड पे फ्लूइड को रिसीव करने के लिए इनलेट पोर्ट होता है और एक ब्लीडर वाल्व होता है जो एयर को रिमूव करता है। अब व्हील सिलेंडर को एक्सप्लोडेड व्यू देखते हैं। सिलेंडर बॉडी, डस्ट बूट्स, पिस्टन्स, पिस्टन कप्स एक्सपेंडर्स और रिटर्न स्प्रिंग्स। जब ब्रेक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड व्हील सिलेंडर पिस्टन्स को पुश करता है जो कि फर्दर ब्रेक शूज को पुश करता है। अब इस एक्शन के वजह से ब्रेक लाइनर और इनर सरफेस ऑफ द ड्रम के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और ऑटोमोबाइल रुक जाता है। एडजस्टर ये ध्यान देता है कि ब्रेक लाइनर्स ड्रम के क्लोज ही रहे जब लाइनर्स वेयर डाउन हो जाता है। एडजस्टर शूज के बीच लेंथ को इंक्रीज करने के लिए स्क्रू मैकेनिज्म का यूज करता है। जब भी कार को रिवर्स में ब्रेक लगाया जाता है, पिन के हेल्प से कॉग नीचे की तरफ मूव करता है टू पुश द शूज अगेंस्ट द ड्रम। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट के अंदर में जो अगला ब्रेक है वो है डिस्क ब्रेक्स। आइए अब इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले डिस्क ब्रेक के कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं। ये है व्हील हब असेंबली, डिस्क ब्रेक रोटर, ब्रेक कैलिपर असेंबली, व्हील और लग नट्स। व्हील हब असेंबली व्हील और डिस्क रोटर को होल्ड करता है और इसके अंदर का बेयरिंग व्हील को स्मूथ रोटेशन देता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्क ब्रेक रोटर की। तो डिस्क रोटर वो पार्ट होता है जिसकी अगेंस्ट ब्रेक पैड्स स्क्वीज होता है और इस वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो कि व्हील के रोटेशन को रोकता है। इस फ्रिक्शन की वजह से डिस्क रोटर बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है। डिस्क ब्रेक रोटर में ड्रिल किया हुआ होल इन सारे हीट को रिमूव करता है। अब बात करते हैं ब्रेक कैलिपर असेंबली की। तो ब्रेक कैलिपर असेंबली ब्रेक पैडल से हाइड्रोलिक फोर्स को यूज करके ब्रेक पैडल को स्क्वीज करता है टू द रोटर सर्फिसेस। इससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है और व्हील रुक जाता है। अब हम लोग ब्रेक कैलिपर असेंबली की बात करते हैं। तो ये कंसिस्ट करता है कैलिपर ब्रैकेट, स्लाइडर पिंस, डस्ट बूट्स, इनर ब्रेक पैड, आउटर ब्रेक पैड और कैलिपर फ्रेम और पिस्टन। कैलिपर फ्रेम एक बैंजो फिटिंग होता है जिससे होते हुए फ्लूइड पिस्टन तक पहुंचता है। पैडल साइड से आया हुआ फ्लूइड पिस्टन को ग्रेट फोर्स के साथ पुश करने में कैपेबल होता है। कैलिपर फ्रेम एक फिक्स्ड एक्सटेंट तक स्लाइडर पिंस के हेल्प से स्लाइड कर सकता है। चलिए अभी हम लोगों ने डिस्क ब्रेक के कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग ये बात करेंगे ये कैसे काम करता है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, कैलिपर ब्रेक मास्टर सिलेंडर से हाई प्रेशर हाइड्रोलिक फ्लूइड रिसीव करता है। ये फ्लूइड पिस्टन को पुश करता है जिसके वजह से इनर ब्रेक पैड डिस्क रोटर सरफेस के अगेंस्ट स्क्वीज होता है। इसके वजह से फ्लूइड का बैकवर्ड फोर्स कैलिपर फ्रेम को अलोंग द स्लाइड पिन पुश करता है जिसके वजह से आउटर ब्रेक पैड डिस्क रोटर के अदर साइड के अगेंस्ट स्क्वीज होता है। अब हम लोग इस सेम ऑपरेशन का टॉप व्यू देखते हैं। फ्लूइड पिस्टन को पुश करता है, पिस्टन ब्रेक पैड को पुश करता है। जब इनर ब्रेक पैड रोटर के अगेंस्ट पुश्ड होता है, फ्लूइड कैलिपर फ्रेम को पुश करता है। इसके बाद आउटर ब्रेक पैड डिस्क रोटर के अदर साइड के टुवर्ड्स पुल्ड होता है और ब्रेक लग जाता है। टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम की अगली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। आइए जानते हैं इसके अंडर में कौन कौन से ब्रेक्स आते हैं। सबसे पहले है सर्विस ब्रेक्स और फुट ब्रेक्स। अब इस तरह के ब्रेक्स में कॉकपिट और जो व्हीकल का फुट स्पेस के ऊपर में माउंटेड ब्रेक पैडल होता है उसको ड्राइवर जब अपने पैरों से प्रेस करता है उस टाइम पे फोर्स जनरेट होता है। अब ये पैडल फोर्स मैकेनिकल लिंकेज और हाइड्रोलिक प्रेशर के हेल्प से ठीक है फर्दर मल्टीप्लाई होता है और देन ये सेंट होता है ब्रेकिंग ड्रम और डिस्क को और इस तरह से हमारा ब्रेक लग जाता है। अब कार्स में फुट ऑपरेटेड ब्रेक्स का यूज किया जाता है और बाइक्स में फुट और हैंड ऑपरेटेड ब्रेक्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। इस कैटेगरी में जो अगला ब्रेक है वो है हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। अब ये एक इमरजेंसी ब्रेक होता है ठीक है और ये जो मेन सर्विस ब्रेक है यानी कि जो फुट ब्रेक है उससे इंडिपेंडेंट होता है, उनसे बिल्कुल ही अलग होता है। अब हैंड जो ब्रेक होता है वो कंसिस्ट करता है एक हैंड ऑपरेटेड ब्रेक लीवर। अब ये जो हैंड ऑपरेटेड ब्रेक लीवर है वो मेटालिक केबल के हेल्प से ब्रेक ड्रम और डिस्क रोटर से कनेक्टेड होता है।
अब ये जो हैंड ब्रेक है उसको हम लोग यूजुअली यूज करते हैं स्टेबल पार्किंग करने के लिए अपने व्हीकल को, यानी कि जहाँ पे फ्लैट रोड हो या पे जहाँ पे स्लोप हो, वहाँ पे जब हम लोग गाड़ी को पार्क करते हैं तो वो लुढ़क नहीं जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम की अगली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर में जो पहला ब्रेक है वो है हमारे पास सिंगल एक्टिंग ब्रेक्स। अब इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि कार के केस में जो ब्रेक फोर्स है वो कार के किसी भी एक पेयर पे ट्रांसफर होता है, यानी कि या तो आगे रियर व्हील पे या फिर फ्रंट व्हील पे किसी एक पे ट्रांसफर होता है। और बाइक के केस में क्या होता है इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम में कि बाइक के किसी एक व्हील पे ही ब्रेक फोर्स ट्रांसफर होता है थ्रू सिंगल एक्चुएशन मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिकल लीकेजेस और मास्टर सिलेंडर को यूज करके। अब इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम को कॉमनली हम लोग बाइक्स में या फिर लाइट पर्पस व्हीकल में यूज करते हैं। देन जो नेक्स्ट ब्रेक है इसके अंडर में वो है डबल एक्टिंग ब्रेक्स। अब इस तरह के ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो ब्रेक फोर्स है वो व्हीकल के सारे व्हील्स, यानी कि कार में चारों व्हील में और बाइक के दोनों व्हील में ट्रांसफर होता है थ्रू डुअल एक्चुएशन मैकेनिज्म, और इसके लिए मास्टर सिलेंडर और मैकेनिकल लिंकेजेस का हेल्प लिया जाता है। तो इस तरह के ब्रेकिंग को हम लोग कार्स में और हेवी पर्पस व्हीकल्स में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले डिफरेंट टाइप्स के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताया, 15 अलग अलग टाइप्स के ब्रेक्स के बारे में भी बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। और आपका वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय।